फ्रेंड्स, कुकिंग आर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस। उसके लिए हमने एक कप चावल जो बॉईल करके ठंडे कर लिए हैं वो ले लिए हैं, और एक छोटा टमाटर जो हमने स्लाइस में काट लिया है, एक छोटी शिमला मिर्च उसे भी हमने स्लाइस कर लिया है धो के अच्छी तरह से, एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसको भी स्लाइस कर लिया है, एक हरी मिर्च बारीक बारीक काट ली है, दो छोटे चम्मच हमने सिरका लिया है, एक छोटे चम्मच हमने नमक लिया है, एक चौथाई चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। आइए अब हम अपना फ्राइड राइस बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपने आनियंस डालते हैं। एक मिनट तक इसको सोते करते हैं। फिर हम अब इसमें अपनी शिमला मिर्च डाल लेते हैं। आप चाहें तो लाल, पीली, किसी भी कलर की शिमला मिर्च ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अब हम इसमें अपने टमाटर डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, एक मिनट तक इनको सौते करेंगे। अब हम इसमें अपने चावल डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें अपना लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, वो आपकी मर्जी है आप डालें ना। हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें अपना सिरका डालेंगे, फिर मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हमारे फ्राइड राइस बनके तैयार हैं। आप चाहें तो सोया सॉस भी डाल सकते हैं। हमने इसमें सोया सॉस नहीं डाला है, सिर्फ सिरका ही डाला है। अब हम इनको सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ्राइड राइस बनकर के तैयार हैं। आप भी खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव हमें शेयर कीजिए, और हमारे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।